नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं रणतंत्र। और कल दोपहर को हम मैचेस देख रहे थे। एडिलेड में खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले गाबा टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से पेला था। इंग्लैंडियों और माइकल वॉन से मैं यही कहना चाहूंगा, बउआ बोल रहे हूँ जी, कि जिंदगी में टॉक्सिक लोगों को झेलना और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को पेलना सबके बस की बात नहीं है। हमें अक्सर ट्रोल करने वाले माइकल वॉन को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आपकी टीम आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीती थी ना, उस वक्त तक विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू भी नहीं करी थी। 10 साल हो गए भैया आपको, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते बात करते हो। दूसरी तरफ साल 2020-21 में यही वक्त था जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे। भाई साहब, इतनी चोटें तो छोटे बच्चे खेलते हुए प्लेग्राउंड में नहीं लगाते जितनी हमारी टीम के प्लेयर को लगी हुई थी। लेकिन फिर भी हमने ऑस्ट्रेलिया वालों का जो मोड बनाया ना भाई साहब, आज तक ये दिल मांगे मोड करता है। साल खत्म होने को आ गया और उसके बाद टीम इंडिया ने ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि दिल गार्डन गार्डन हो जाए। इसलिए हमने सोचा कि आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि बउआ चॉइस साल की बेस्ट 4 इंडियन परफॉर्मेंसेस कौन सी थी। अगर आप अग्री करते हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दबा के शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नंबर 4 पर है बापू भाई अक्षर पटेल। अक्षर ऐसे अकेले भारतीय क्रिकेटर हैं जिनके नाम में एक्स आता है। जब से उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया है तब से वो टीम के लिए एक्स फैक्टर ही बन गए। लेकिन अपने इस गुजराती छोकरों ने जो कारनामा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया वो जबरदस्त था। वैसे भी गुजरातियों का अंग्रेजों के खिलाफ परफॉर्मेंस बढ़िया ही रहता है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में अक्षर ने पहली पारी में 4 और दूसरी में 5 विकेट लेकर कुल 9 विकेट अपने नाम लिए। सिर्फ 2.5 दिन में इंग्लैंड का सफाया किया और सबसे जरूरी बात यह कि वो टेस्ट जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बना ली थी। तो अक्षर भाई एक नंबर भाई। नंबर 3 पर है रोहित द हिटमैन शर्मा। वैसे तो रोहित शर्मा कई यादगार पारियां खेले हैं, लेकिन इस साल हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चेन्नई टेस्ट की। फरवरी का महीना था, वैलेंटाइन वीक चल रहा था। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से अपने प्यार का इजहार इंग्लैंड के खिलाफ 161 रन ठोक कर कर दिया। पहला टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन एक मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी करते हुए 18 चौकों और 2 छक्के की मदद से रोहित शर्मा ने शानदार 161 रन बनाए। उनकी बेहतरीन पारी की वजह से भारत 317 रन से चेन्नई टेस्ट जीता और सीरीज में धुआंधार वापसी करी। नंबर 2 पर वो हैं जिनका नाम नहीं काम बोलता है। कौन? टीपू भैया? नहीं, टीपू भैया नहीं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही उनके पिता का इंतकाल हुआ, लेकिन जनाजे में वापस आने की बजाय उन्होंने टीम के साथ रुकने का फैसला लिया और इस फैसले के लिए हम सब उनको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हमारे सारे गेंदबाजों को इतनी चोटें लगी थी कि ड्रेसिंग रूम कम और अस्पताल ज्यादा जाने लगे थे। मोहम्मद शमी भी बाहर थे, जसप्रीत बुमराह भी। ऐसे में अपने तीसरे टेस्ट मैच में ही मोहम्मद सिराज को स्ट्राइक गेंदबाज की जिम्मेदारी निभानी पड़ी, लेकिन सिराज भाई ने ब्रिस्बेन टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के ताबूत में पहली कील ठोक दी। और दूसरी कील जिसने ठोकी वही है हमारी साल की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस। जी हाँ, नंबर 1 पर वो बल्लेबाज जिसे देखकर हमें स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन ये वाला गाना लूप पे सुनने का मन करता है। भाई साहब, बात कर रहे हैं हम इंडियन स्पाइडरमैन ऋषभ पंत की, जो कि उत्तराखंड के नए नवेले ब्रांड एंबेसडर भी हैं। लेकिन उत्तराखंड के ब्रांड एंबेसडर बनने से पहले 19 जनवरी को ऋषभ पंत डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और ब्रिलियंस के ब्रांड एंबेसडर बने थे। 1988 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन का किला सलामत था। गाबा जाते ही टीमें वो करने लगती थी जो बाबा के ढाबा वाले बाबा अब करते हैं, यानी आंसुओं से रोना। लेकिन गाबा के आखिरी दिन 328 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए ऋषभ पंत ने जो पारी खेली है उसने हमेशा के लिए उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। मिशेल स्टार्क, जोस हेजलवुड, पैट कमिंस, नाथन लियोन से सजी टीम ऑस्ट्रेलिया की, जो उन्होंने धज्जियां उड़ाई ना भाई साहब ऋषभ पंत ने, कि ओहो भाई साहब लूप पर उस पारी को देखने का मन करता है कसम से। वैसे आपके हिसाब से साल की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसने दी, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये क्रिकेट रिवाइंड वीडियो पसंद आया तो बताना कल इसी सीरीज पर एक और वीडियो बनाई जाए, क्या बोलते बउआ? बिल्कुल, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम खेलेंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करके निकलना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम बोलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, साइनिंग आउट।